हाय माय स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी होली के लिए बहुत ही खूबसूरत सा बन हेयर स्टाइल। तो होली में अगर आप साड़ी डाल रहे हो तो ये हेयर स्टाइल आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। कुर्ती के लिए एंड साड़ी के लिए पहले भी वीडियो डाली हुई है 2-3 दिन पहले की, तो आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी वो वीडियो देख के आप लोग को। अगर आप कंफ्यूज हो, आपके छोटे बाल हैं, मेरी तरह कंफ्यूज हो कि क्या हेयर स्टाइल करें, तो आपको इस चैनल पर सब कुछ डिटेल में मिल जाता है। और ये डोनेट बन है जिसकी मदद से मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से हेयर स्टाइल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से फ्रंट से क्या करूँगी, सिंपली आपको अपने बालों को लेना है। साड़ी के लिए बता रही हूँ तो आप इस तरीके से करोगे। अगर आपको फ्रंट से कोई हेयर स्टाइल नहीं रखना है तो आप सिंपली साइड पार्टीशन भी करके और पूरे बालों को फ्लैट लुक, सिल्क लुक जो कि आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, वो दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं रबड़ ले लेती हूँ एंड रबर बैंड तो चाहिए ही चाहिए, आपको दो रबर बैंड चाहिए हेयर स्टाइल बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक पतला और एक मोटा रबर बैंड ले लेती हूँ, सेम ही ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अच्छे से बालों को कॉम करूँगी। सिल्क लुक देना है या पफ बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कुछ इस तरीके से कर ले रही हूँ, यहाँ पे इस तरीके से हेयर को लूँगी, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, आगे की तरफ पुल करेंगे, हल्का सा पफ का लुक देके यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी। डबल क्लिप्स लगा लेंगे ताकि हमारा हेयर स्टाइल जो है वो खुल ना जाए। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी कर लेना है। अगर कहीं से स्कैल्प दिख रही है, बहुत पतले बाल है, तो ये कॉम कर लीजिएगा जरूर, हल्का सा ट्विस्ट कर दिए। अगेन इधर के भी हेयर को आगे की तरफ पुल करेंगे, हम दो क्लिप से इसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर आपको सर पे पल्ला नहीं रखना है तो आप इस तरीके से लगा के भी अपना हेयर स्टाइल कंप्लीट कर सकते हो। और अगेन आप पीछे के बालों को क्या करना है, सारे बालों को अच्छे से कॉम करेंगे और रबर बैंड से बैंड को टाइटली लगा देंगे। रबर बैंड को लगाने के लिए डोनेट बांध लेंगे और इसको रबर बैंड के ऊपर लगा देंगे। हेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अच्छे से फैला लेंगे बालों के डोनेट बांध के ऊपर और फिर से रबर बैंड लेंगे और डोनेट बांध के ऊपर लगा देंगे। ओके, लगा के क्या करेंगे, नीचे के जो हेयर्स हैं उनको सिंपल थोड़ा थोड़ा हेयर लेके रबर बैंड को हाइड करने के लिए इस तरीके से लगाएंगे एंड यू पिन से इसको यू पिन से सेट कर देंगे। इस साइड तो हमने लगा लिया, बट इस साइड के जो हेयर है, सॉरी रबर बैंड जो है वो दिख रहा होगा, तो उसको भी ऐसे इस तरीके से यू पिन की मदद से और थोड़ा सा हेयर लेके रबर बैंड को हाइड करते हुए लगा देंगे। मैं सेल्फ बना रही हूँ तो हो सकता है कहीं से दिख रहा हो, तो प्लीज डोंट माइंड। अब सारे हेयर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और सिंपली ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके यहाँ पे आप क्लिप की मदद से, बॉबी क्लिप की मदद से लगा दोगे। ये बिल्कुल नया है, सेल्फ है, तो आप खुद से भी बना सकते हो, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी आपको। अगर आपसे खुद से नहीं बन रहा है तो आप हेल्प ले सकते हो या फिर एक दो बार ट्राई करोगे तो बना लोगे। और ये देखिए हमारा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन होने वाला है। अब जहाँ भी आपको लगे कि आपका हेयर निकल रहा है वहाँ पे आप यू पिन की मदद से इसको सिक्योर करते जाइए, क्योंकि छोटे बाल हैं तो हो सकता है कि निकल जाए, जैसे कि मेरे निकल जा रहे हैं इधर उधर से। तो 2-4 यू पिन एक्स्ट्रा रखिएगा जिससे कि आप अपने बाल को अच्छा सा लुक दे पाए। इसको इसे बन को आप अपने डेकोरेट पिन के मदद से और भी सुंदर लुक दिखा सकते हो। तो साड़ी के लिए बहुत ही सुंदर सा लो बन है जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हो, सेल्फ है जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये है बन का फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके की वीडियोज डे बाई डे ईजी एंड हेल्पफुल वीडियो स्टाइलिस्ट हेयर स्टाइल की वीडियोज लेकर आते रहती हूँ अपने चैनल पर। इसके साथ अपना इयर रिंग्स और मांगटी का जो भी पहनना है, अपना थोड़ा मोड़ा मेकअप कर लो,
कमाल का लुक लगेगा। आई होप की वीडियो पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट कर दे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई, जो डीटीन पैक होता है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसका क्या वर्क होता है, कैसे कैसे ये आपके स्किन के डार्क स्पॉट्स को, एक पिगमेंटेशन को हाइड करता है, डीटेन और ब्लीच में क्या अंतर होता है, सब कुछ अपने सेकेंड चैनल पे डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिएगा, आप लोग के लिए वो चैनल पे भी बहुत हेल्पफुल चीजें मिलेंगी। तो प्लीज लेडीज गो टू माय सेकंड चैनल एंड प्लीज वीडियोस देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। उस चैनल पे जो मैं बताती हूँ वो मेन लोग भी, जेंट्स लोग भी ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस चैनल पे तो सिर्फ हेयर स्टाइल बताती हूँ जो कि लड़कियों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, लेकिन उस चैनल पे मैं स्किन से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ, मेकअप से रिलेटेड। तो जो स्किन केयर होती है जो लेडीज भी अप्लाई करते हो, वो जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज गो टू माय सेकंड चैनल गाइज एंड प्लीज सपोर्ट माय सेकंड चैनल, मेरे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए जैसे आपने इस चैनल को दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंस्टा आईडी 324। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।